इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संसद में अपशब्द बोलकर घिरे बीजेपी सांसद रमेश भदुड़ी, पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। पार्टी मुख्यालय में पहुंचे हैं इस वक्त बीजेपी सांसद रमेश भदुड़ी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने रमेश भदुड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और माना यही जा रहा है कि उसी को लेकर जवाब देने के लिए रमेश भदुड़ी पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। तो जिस तरीके के बेलगाम बोल, आपत्तिजनक बोल लोकतंत्र के मंदिर संसद में रमेश भदुड़ी के सुनाई पड़े थे, उसके बाद निंदा हर तरफ से हुई थी। पार्टी की तरफ से भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था रमेश भदुड़ी को। हालांकि विपक्ष ने सवाल उठाया था कि एक्शन सदन से बाहर निकालने वाला भदुड़ी पर क्यों नहीं हुआ, पक्षपात करने का सरकार पर आरोप लगाया था विपक्ष ने कि बचाव कर रही है सरकार रमेश भदुड़ी का। बाद में पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस रमेश भदुड़ी को दिया गया और अब रमेश भदुड़ी बीजेपी मुख्यालय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं विकास से कुछ जानकारी मिल पा रही है, अपनी सफाई में क्या कहने की तैयारी है रमेश भदुड़ी की। विकास आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है विकास से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल रमेश भदुड़ी पहुंचे हुए हैं बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। पार्टी की तरफ से रमेश भदुड़ी को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, उनसे कहा गया था क्यों ना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये आपत्तिजनक बोल जो सुनाई पड़े थे लोकतंत्र के मंदिर में रमेश भदुड़ी के। अपशब्द पर घिरे हुए हैं बीजेपी सांसद रमेश भदुड़ी, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं रमेश भदुड़ी, दिल्ली से सांसद हैं, दो बार के सांसद 2014 2019 उससे पहले विधायक रहे हैं दिल्ली से रमेश भदुड़ी, और अब बेलगाम बोल को लेकर रमेश भदुड़ी घिरे हुए हैं, पार्टी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं।